जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ हमले में कानपुर के चौबेपुर के भावपुर गांव निवासी करण सिंह यादव शहीद हो गए। वो अगस्त में घर आए थे, पिता से कहा था कि फरवरी में आऊंगा, मगर उनके शहीद की खबर उनके पैतृक गांव पहुंची। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बल पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर का लाल भी शहीद हो गया। उनके बलिदान होने की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल पुंछ हमले में कानपुर का लाल शहीद हो गया। वो अगस्त में घर आए थे, पिता ने कहा था कि बेटा फरवरी में घर आने वाला था, लेकिन वह दुर्गति को प्राप्त हो गए। उनके घर वालों का कहना है कल शाम को फोन आया कि उनके पैर में गोली लगी है। इसके बाद उनके शहीद होने की खबर उनके पैतृक गांव पहुंची, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बाकी दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। ये खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता।